इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। वीवीआईपी कल्चर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीख दी है। एम्बुलेंस के लिए रुका प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, एम्बुलेंस के जाने के बाद आगे बढ़ा पीएम का काफिला। ये बड़ी सीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई वीवीआईपी कल्चर को लेकर। देखिए किस तरह से एम्बुलेंस के लिए प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, काफिला रुका रहा, एम्बुलेंस गुजर गई, उसके बाद काफिला आगे बढ़ा। आमतौर पर देखा यह जाता है कि वीवीआईपी कल्चर के चलते लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, एम्बुलेंस जैसी जरूरी सुविधाओं को भी रोक दिया जाता है क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उदाहरण सामने रखा है देश के सामने, खासतौर पर वीवीआईपी कल्चर को लेकर। देखिए किस तरह से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एम्बुलेंस गुजर रही है। इस एम्बुलेंस को जब गुजरना था तब प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, आमतौर पर अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। देश में देखा जाता है कि लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं जब वीवीआईपी कहीं से मूव कर रहे होते हैं या उनका मूवमेंट होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज सबको ये सीख दी है और लगातार वो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। आज एक बड़ी सीख उन्होंने सबके सामने रखी। निश्चित रूप से, और वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा को उस तरह भी देखा जा सकता है। आप वीडियो में देखेंगे प्रधानमंत्री ने खुद ड्राइवर को हाथ दिया कि आप इस रोकिए गाड़ी को, वो एम्बुलेंस जा रही है। तो ये जो जेस्चर प्रधानमंत्री ने दिखाया है ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है और बहुत बड़ी सीख भी है उन लोगों के लिए जो अपने पीछे और जो जरूरत की गाड़ी होती है, जो एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां होती है उनको जगह नहीं देते हैं। आप सोचिए कि कैवलकेड में कितनी सारी प्रधानमंत्री गाड़ी थी, लेकिन उन गाड़ियों से इतर प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को आगे दिया। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक नई जो है नजीर पेश की है उन लोगों के लिए जो सड़क पे बहुत गलत तरीके से चलते हैं या फिर जो कानून और नियमों का पालन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताने की कोशिश की कि जो जरूरत की चीजें हैं और आम लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं उसके सामने कोई वीवीआईपी काम नहीं है। वीवीआईपी के सामने जो आम जरूरत की चीजें हैं सबसे पहले उसको प्राथमिकता देनी जरूरी है। कुमार, आप हमारे साथ बने रहे, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किस तरह से प्रधानमंत्री का जो काफिला था, जो उनका कैवलकेड था, और प्रधानमंत्री का जब काफिला कहीं मूव करता है, जब आमतौर पर वो कहीं से गुजरता है तो पूरे रास्ते को रोका जाता है या ब्लॉक किया जाता है। उसके बावजूद देखिए जब वहां पर कोई एम्बुलेंस पहुंची तो प्रधानमंत्री ने ये तरजीह दी कि उस एम्बुलेंस को गुजारा जाए, वो एसेंशियल सर्विसेज में आता है और जरूरी है कि एम्बुलेंस अगर कहीं पर है सड़क पर तो हम सब उसको रास्ता दें। आमतौर पर आम लोग भी मुश्किल से रास्ता देते हैं और क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं सड़क पर, लेकिन वीवीआईपी अगर मूवमेंट होता है तो बिल्कुल भी किसी को भी जाने की इजाजत तब नहीं मिलती है। लेकिन कुमार देखिए, प्रधानमंत्री का जब कैवलकेड कहीं मूव करता है, जब सड़क पर वो जा रहे होते हैं, तब पूरी तरह से वहां सुरक्षा बंदोबस्त किए जाते हैं, वहां पर किसी भी गाड़ी को इस तरह से जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने दरअसल एक संदेश भी दिया है इस माध्यम से कि देखिए किस तरह से उन्होंने रुक कर उसको जाने दिया। प्रधानमंत्री के लिए तो तमाम तरह की प्रोटोकॉल्स हैं, इस वजह से ये सब कुछ होता है। आमतौर पर हमने देखा है वो वीआईपी जो खुद को वीवीआईपी बनाते हैं या समझते हैं, अपने आगे पीछे चार गाड़ियां खुद लेकर चलते हैं, उनके लिए भी रोक दिया जाता है एसेंशियल सर्विसेज को। देखिए सुमैरा, मैं इसमें जो पूरे सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है, देश में कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं, नॉर्मल जा रहा है या फिर कोई मिनिस्टर जा रहा है को रोक के और उनके कैवलकेड को पास कराया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है एम्बुलेंस फंस जाते हैं और एक दो बार तो मौत की भी खबरें आई हैं। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री पेश की है वो अपने आप में एक माइलस्टोन है, यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो सबसे जरूरी है और जो जरूरत एसेंशियल है उसको समाज में जगह दी जाए, तरजीह दी जाए, वीवीआईपी कल्चर को वहां पे साइड आ जाए। और आप तस्वीरों में बार बार देखिए सुमेरा, प्रधानमंत्री खुद हाथ के अपने ड्राइवर को कह रहे हैं रुक, इसका मतलब कि जो प्रोटोकॉल जो कोई भी फॉलो कर रहा था उसको भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जरूरी ये है कि पहले एम्बुलेंस को आगे जाने दिया जाए। जी बिल्कुल कुमार, हम देख सकते हैं तस्वीरों को और देखिए यही बड़ी बात है, एक नजीर पेश करने की कोशिश की है, एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है और इससे बाकी सबको सीख लेने की जरूरत है। संदेश यही है सबसे बड़ा कि असेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो या पुलिस की गाड़ी हो, अगर जरूरी है तो उसको पहले जाने दिया
किया जाए। समाज को इसके प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तमाम जो वीवीआईपी हैं उनको भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और निभाना चाहिए। ये संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।